एवरी वर्न टूडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर सेवन टक्स पेंट सो वट इज टक्स पेंट टक्स पेंट इज अ फ्री ड्रॉइंग प्रोग्राम इट हेल्प टू ड्रॉ मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन फ्यू मिनट टक्स पेंट में आप लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना सकते हैं सो यू आर यू विल बी थिंकिंग दैट वट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड टक्स पेंट देन सो द डिफरेंस इज दैट इन टक्स पेंट यू कैन एड साउंडफेक्ट यू कैन एड लॉट्स ऑफ एनिमेशन लॉट्स ऑफ क्रिएटिव टूल्स बट इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट दीज फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इज इट ओके टक्स पेंट में आप लोग बहुत सारे साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं एनिमेशंस डाल सकते हैं बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आप लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते इज इट ओके सो लेट अस लर्न हाउ टू ओपन अ न्यू ड्रॉइंग सो लेट अस लर्न फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ न्यू ड्रॉइंग जस्ट क्लिक ऑन द न्यू बटन अ डायलॉग बॉक्स विथ सॉलिड बैकग्राउंड कलर्स विल अपियर अब आप लोगों को जब नई ड्राइंग बनानी है तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग न्यू बटन पर क्लिक करेंगे टूल्स पैनल पे आप लोगों का न्यू बटन होगा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे सो दी सो मेनी बैकग्राउंड कलर्स विल अपियर इन फ्रंट ऑफ यू इज इट ओके

तो आपका वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा इज इट क्लियर सो नेक्स्ट इज योर लाइन्स टूल दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स जो आपका लाइन टूल है आपके टूल बार में आपको यहां पर एक लाइन टूल मिलेगा इस टूल से आप लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जैसे रेक्टैंगल ट्राइंगल स्क्वायर, ये सब चीजें आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं

ब्रश यू वॉन्ट यू विल क्लिक ऑन एट एंड यू कैन चूज दैट ब्रश आप लोग क्या करेंगे यहां से आप लोगों को जो भी ब्रश चाहिए आप लोग उसको चूज करेंगे और वो आपका अप्लाई हो जाएगा इज इट ओके सो नेक्स्ट व्ट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन दीज कल वट एवर कलर यू वॉन्ट यू यू मे क्लिक ऑन एट एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैक टू मेक अ लाइन फिर आप लोगों को क्या करना है यहां से कलर सिलेक्ट करना है और माउस का बटन को क्लिक करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इज इट ओके सो दिस वॉज योर लाइन्ड टूल नेक्स्ट इज स्टैंप टूल दिस टूल लेट्स यू पेस्ट प्री ड्रॉन और फोटोग्राफिक इमेजेस इन योर ड्रॉइंग इस टूल से आप लोग क्या कर सकते हैं जो पहले से ही कोई इमेज आपकी बना रखी है या कोई भी आपकी फोटोग्राफ है उसको फिर से कॉपी कर सकता है इज इट ओके हाउ कैन वी डू दैट लेट अस लर्न सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन स्टैम्प टूल आप लोगों को सबसे पहले स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट फ्रॉम द स्टेम्प सिलेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट अ स्ट आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे आपके पास स्टैम्प सिलेक्टर आएगा जिसपे बहुत सारे स्टैंप बने होंगे सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर स्टैंप आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्टैंप जो आपको चाहिए उस पे क्लिक करना है एंड द सिलेक्टेड स्टैंप विल अपियर ऑन द स्क्रीन फिर क्या होगा आप लोगों को क्या हो जाएगा जो स्टैंप पे आप क्लिक करेंगे वो आपके यहाँ पे बन जाएगी इज इट ओके नेक्स्ट इज मैजिक टूल अ सेट ऑफ स्पेशल टूल्स दैट आर यूज टू प्रोवाइड स्पेशल इफेक्ट टू द ड्रॉइंग टूल्स इज कॉल्ड मैजिक टूल मैजिक टूल आपका क्या कर, क्या करता है बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपको इससे आप लोग क्या कर सकते हैं जैसे आप लोगों को, को कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप लोग अगर क्या कर रहे हैं उसमें ब्रिक्स की वॉलपेपर शो करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे यहां से ब्रिक्स सेलेक्ट करेंगे एंड देन योर वॉलपेपर विल लुक लाइक अ ब्रिक स्ट्रक्चर इज इट ओके सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है यू हैव टू सेलेक्ट द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार इज इट ओके देन फ्रॉम द मैजिक सिलेक्टर यू हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द मैजिक इफेक्ट्स आप लोगों के सामने इतने सारे मैजिक इफेक्ट्स आएंगे आप लोगों को जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं इज इट ओके देन वट विल हैपन सी लेटर सपोज आई हैव क्लिकड ऑन दिस ऑप्शन ब्रिक्स ऑप्शन इज इट ओके सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक द माउस बटन एंड ड्रैगेट वेरवर यू वॉन्ट दैट पैटर्न इज इट ओके आप लोगों को माउस बटन क्लिक करना है और उसको ड्रैग करते रहना है आप लोगों को जहां भी वो पैटर्न चाहिए इज इट ओके सो वट विल हैपन द इफेक्ट विल बी अप्लाइड वो आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा इज इट ओके सो द लास्ट टॉपिक इज अंडू एंड रीडू सो यू कैन अंडू एंड रीडू और रिपीट मैनी एक्शन इन टक्स पेंट यू कैन अन डू चेंजेस इवन आफ्टर यू हैव सेव एंड डेन सेव अगेन एज लॉन्ग एज यू आर विद इन द अडू लिमिट्स अगर आप लोगों को कोई भी चीज अंडू करनी है तो आप लोग उसे कर सकते हैं अगर आपने फाइल अपनी सेव कर भी दी है उसके बाद भी आप लोग चीजों को अंडू कर सकते हैं अंडू मतलब कि आपने अगर कुछ किया है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उसको अंडू करते हैं इज इट ओके सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन द अंडू कमांड आप लोग क्या कर सकते हैं अंडू कमांड ऐसी कमांड आपके सामने होगी आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वापस वैसा ही मिल जाएगा इज इट ओके और द शॉर्टकट की फॉर अंडू कमांड इज कंट्रोल प्लस जेड अगर आप लोगों को अंडू करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड की को कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आपका अंडू एक्शन परफॉर्म होगा इज इट ओके फॉर रीडू यू कैन क्लिक ऑन द रीडू कमांड अगर आप लोगों को चीजों को रीडू करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं रीडू कमांड पे क्लिक कर सकते हैं और द शॉर्टकट फॉर रीडू इज कंट्रोल प्लस आर या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस आर की को प्रेस कर सकते हैं इज इट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू